हाँ जी अब भी मतलब क्या नाम है, रात का टाइम है और यहाँ पे नहाने धोने वाले जो श्रद्धालु हैं वो सब आ रहे हैं। किसकी दुकान लगा हुआ है यहाँ? ये कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक की। अच्छा अच्छा, आज ही आए दिखो। हाँ अच्छा, और कितने दिन से आकर यहाँ गंगा जी पे? 25 साल हो गए। 25 साल से कंटिन्यू यहीं? हाँ। अच्छा जी, मतलब कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो अपना यहाँ का, कैसा महसूस करो। 11:49 हो रही है भाई, और यहाँ सारे मेले में घूमने के बाद जो एक चीज़ देखने मिली क्या भाई, वैसे तो लगे हुए हैं बहुत सारे यहाँ डेरे वगैरह। कितने दिन से आओ यहाँ? ये आज ही आए ना, मतलब कितने सीजन हो गए गंगा जी पे आते आते? 4-5 सीजन हो गए। 4-5 सीजन हो गए। कहाँ से हो? हम लोग कुंडा प्रतापगढ़ से हैं। कुंडा प्रतापगढ़ से। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ आते आते? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अच्छा, कैसा महसूस करो हो? बढ़िया है। अच्छा, एक राम राम भाई, किसान महकमा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपका स्वागत है। भाइयों, आज जो है तारीख है 18, और आज हम जो है मतलब इस टाइम है दिल्ली, और दिल्ली से जा रहे हैं गढ़गंगा मेले पे। और जाने का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है भाई? एक है वहाँ का रात का माहौल देखना। फिलहाल जो बजे हुए हैं वो है रात के 10:30-11 के करीब हो रहे हैं, तो रात 12-12:30 के करीब अब दिखाया जाएगा कि वहाँ कैसा माहौल है गंगा जी का। मिलते हैं भाई आगे वीडियो में। ये देखो भाई हापुड़ 45 मेरठ 65, और ये देखो भाई दिल्ली का माहौल। तो भाइयों फाइनली जो है ना 90 किलोमीटर की दूरी तय करके आ जाओगे गंगा जी आओगे? हाँ सामने गंगा जी भाई जा रहे हैं ना, वीडियो भी तक शूट करनी है भाई। चोपले पे आ गए, गढ़ चोपला पे, दिल्ली से गढ़ चोपला 1 घंटे में भाई 90 किलोमीटर। स्पीड देखो क्या रही होगी भाई। हम घर में खड़े हैं भाई, तो गढ़ मुक्तेश्वर हैं भैया। गढ़ मुक्तेश्वर में कहीं, कहाँ से हो भाई जी आप? आप नहीं जाते गंगा जी पे? गंगा जी तो हम रात दिन नहावे हैं जी। कहाँ पे? अंदर बुलंदशहर जिले में। चलो मिलेंगे भाई। बिल्कुल भाई साहब। तो भाई चलते हैं आगे, वीडियो में मिलेंगे फिर दोबारा से भाई साहब। तो भाइयों फाइनली आ चुके हैं गढ़गंगा मेले पे, जो है कार्तिक पूर्णिमा जो है ये लिखा हुआ है 2023। और भाई देख लो यहाँ का माहौल, लाइट वगैरह लगी हुई है रास्ते में, जो है गढ़गंगा मेले में अंदर घुस चुके हैं। और ये देखो अपनी बैरिकेडिंग हुई पड़ी है, सरकारी बैरिकेडिंग है भाई ये जो है। तो चलते हैं भाई जल्दी से जो है गढ़गंगा मेले के अंदर, और देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे कैंप लगे हुए हैं और कहाँ भाई दुकान वगैरह कैसे रखी गई है। क्योंकि मैंने पहली वीडियो में बता दी कि अब की बार जो है गंगा का जो स्नान घाट बनाए गए हैं भाई वो बहुत पास में है, और दिशा ही चेंज कर दिया है यहाँ पे सारी। तो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी करते हुए ना आगे चले हैं, सीधा सीधा मिलते हैं आगे वीडियो में। तो भाई टाइम देखो एक बार, 11:49 हो रही है भाई, और यहाँ सारे मेले में घूमने के बाद जो एक चीज़ देखने मिली क्या भाई, वैसे तो लगे हुए हैं बहुत सारे यहाँ डेरे वगैरह और दुकान वगैरह बहुत लग रही, लेकिन इस टाइम का जो टाइम है वो मतलब सारी दुकान जो उन्होंने बढ़ा रखी है। तो भाई लगभग 1 घंटे बाइक भगाई है दबा के, और यहाँ पे भाई रुक कर थोड़ा चाय वाय ले रहे हैं ना, तो भाई लेके आया चाय यहाँ पे। शर्मा जी टी स्टॉल भाई ने आज ही खोली है दुकान यहाँ पे, और सामने वो जो गेट भाई बोल रहा तुम्हारा अपना गेट, और मतलब 10 या 5 आदमी जो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर हैं। क्या नाम है भैया? ललित। और तुम्हारा भैया? मोनू शर्मा। कहाँ से हो भैया? पिलखुआ से। प्रॉपर? हाँ जी। कितने दिन से आओ यहाँ? ये आज ही आए हैं ना, मतलब कितने सीजन हो गए गंगा जी पे आते आते? 4-5 सीजन हो गए। 4-5 सीजन हो गए। अच्छा अच्छा, तो भाई यहाँ पे ये सब जो है चाय वगैरह अपना पीने के लिए आए। राम राम जी। राम राम जी। तब ठीक हो? ठीक है जी। कहाँ से हो? हम लोग कुंडा प्रतापगढ़ से हैं। कुंडा प्रतापगढ़ से। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ आते आते? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो अच्छा, कैसा महसूस करो हो? बढ़िया है। अच्छा एक चीज़ देखो ताऊ जी, जैसे हम यहाँ 11-12 बजे आए हैं, तो तारीख तो आज 18 ही है, नहान 27 तारीख का है, तो मतलब डेरे वगैरह क्या स्थिति है जी यहाँ? बढ़िया है। पब्लिक क्या आने का? पब्लिक बहुत अच्छी आती है यहाँ, बहुत भीड़ होता है। अब की बार जो यहाँ की लोकेशन चेंज ना कर दी इन्होंने कुछ? हाँ बहुत चेंज किया है।
हर साल चेंज हो। अच्छा एक बात बताओ, हर साल चेंज होने का कारण क्या हुआ? गंगा जी घाट काटती आगे आ रही है, कैसे काट के आ रहे हैं वो, उसको कौन रोक सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता। तो रात में जैसे अब आए हैं, तो रात में जो ज्यादातर सब जो अपना डेरे वगैरह हैं, सबने अपने दुकान वगैरह बढ़ा रखी हैं सबने, तो कब ऐसा माहौल कब बन जाएगा यहाँ ताऊ जी के, जो मतलब रात में अगर एक बजे भी आवे, दो बजे भी आवे, तो यहाँ दुकान वगैरह सब खुली मिलेगी? 22 तारीख के बाद में। तो भाई ताऊ जी बोल रहे हैं कि 22 तारीख के बाद में जो है यहाँ पे जो है पूरी तरीके से क्राउड यानी भीड़ हो जाएगी भाई, चारों तरफ जो वैसे डेरे लगे हुए हैं, अपना पुलिस प्रशासन भी मतलब पूर्ण रूप से तैयार है हर जगह, जो ऑन रोड है ये मेन रोड है भाई यहाँ पे, और मेन रोड के पास में पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे भाई पीछे की तरफ ये जो क्षेत्र है ये सारा का सारा क्षेत्र भाई डेरे का रहेगा, जो डेरे रहेंगे, और भाई मतलब जो फ्रंट है ये दुकान से घेरा जाएगा, उधर अपना घाट पे जो बैरिकेटिंग वगैरह सब चीज़ कर दी गई है भाई, दिखाऊंगा आगे चल के अभी थोड़ा सा, तो पहले ले ले मैं चाय। तो भाई फाइनली जो है ना चाय वाय पी के अपना शर्मा जी टी स्टॉल पैसों चल दिया, आ गए मेले का माहौल दिखा मैं, और कैसा है, रात के बज गए 12:15। तो भाई हाँ जी अब भी मतलब क्या नाम है, रात का टाइम है, और यहाँ पे नहाने धोने वाले जो श्रद्धालु हैं वो सब आ रहे हैं। सिगरेट पियो भाई, सिगरेट पियो। और ये अपना डोगी, ये भैया यहाँ छोटे छोटे मतलब झूले वगैरह अपने लगने हो गए हैं शुरू, और ये अपना तुम्हारा जो है छोटी गाड़ी वगैरह, और भाई देखो गाड़ी वगैरह लेकर पब्लिक आ रही है यहाँ घूमने के लिए। तो कुछ जो है अपना जो डेली आने जाने वाले आदमी हैं वो डेली आवे हैं, डेली जामे हैं, और ये भाई दुकान लगनी यहाँ पे जो मतलब हो चुकी है शुरू, और सही से जो यहाँ का जो मतलब माहौल बदलेगा एकदम से, जो रात में भी ये जो लाइट है ये वाली जो ऊपर LED वगैरह लगी हुई है, ये सब जो है तुम्हारी 22 तारीख के करीब जो है ये मतलब पूरी तरीके से यहाँ जगमग हो जाएगा बिल्कुल। ये अपना प्रसिद्ध कार्तिक मेला जो भाई पूर्णिमा घाट मेला 2023, और ये अपना जो है ये वाला इधर भाई ये जो क्षेत्र है ये इसके पीछे टोटल का टोटल जो अपना लगा दिया जाएगा डेरे वाला क्षेत्र, ये फ्रंट जो है सड़क का भाई यहाँ पर रह में दुकान A to Z, ये अपना घी दूध मक्खन वगैरह जो लेने हो अपना, ये आनंदा डेरी यहाँ पर, ये है भाई यहाँ पे देखो राणा जी मसूर चाय, ये अपना भाई सामने जहाँ पे ये लाइट जल रही है ये है जनरेटर रूम। यहाँ ज़्यादातर भाई फ्रंट जो हो है वो प्रशासनिक डेरे ज़्यादा हो मैं हैं यहाँ, प्रशासनिक मतलब शासन के द्वारा बनाए हुए डेरे जो है, ये अपना देखो दुकान लगी हुई है यहाँ, लेकिन अभी जो है वैसे बढ़ा रखी है इन्होंने थोड़ा थोड़ा भाई, यहाँ पे जो है ना हल्का हल्का सा कोहरा भी छाया हुआ है, और ये अमर उजाला वालों का बना हुआ है यहाँ, सोनू चाय वाले, सोनू उमर इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स, गढ़गंगा मेला सामने भाई गेट आ गया, जो पहली वीडियो में मैंने दिखाया वो वाला ही गेट आ गया, और साइड में ये जो ये जितना भी मतलब क्षेत्र है ये सारा का सारा मतलब ये घिर जाएगा उस दिन, यहाँ पे जो जगह ना बचने की 22 तारीख से बाद में। चंचल छोले भटूरे पूरी कचौड़ी आलू परांठा ये सब भाई यहीं पे ही हैं, ये चाय की टपरी अपनी एक, और ये देखो भाई यहाँ और भाई अगर तारीख की बात करें तो आज है 18 तारीख, और वैसे रात का भाई 12 से ज़्यादा बज गए, तो सही बताऊँ 19 तारीख ही हो गई। ये अपना देखो वहाँ पे जो है मीडिया कार्यालय, और उधर भाई जी ये अपने मतलब बैरिकेटिंग वगैरह कर रखी है चारों तरफ जो है, सरकारी बैरिकेटिंग है, ये टिक्की छोले भटूरे पंजाबी छोले भटूरे, ये अपना चाय की टपरी हो गई, और भाई ये आ गया अपना गेट, कार्तिक पूर्णिमा गढ़गंगा मेला 2023 में पधारने पर सभी श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन हापुड़ हार्दिक स्वागत करता है, और ये दूसरा गेट भाई इधर ये मेन लाइट लगी हुई है बड़ी वाली, और इधर जो है ये सारा मतलब उस दिन हम इधर से निकल के गए भाई, इधर जो है ये बैरिकेटिंग कर दी है, रोक दिया है यहाँ का रास्ता, उधर जो घाट मतलब बनाना है या क्या है उसका पता नहीं है, वो कल सुबह पता चलेगी जब दोबारा कल जो वीडियो अपलोड करेंगे। और ये अपना भाई यहाँ पर जो है पुलिस कैंटीन सामने,
बिल्कुल एकदम ठंडा माहौल इस टाइम भाई। जो भी अपना एक दो डेरे बने हुए हैं वो भी दूर पीछे की तरफ, और ये अपना यहाँ सामने जो है बिल्कुल हापुड़ सेक्टर, ये जहाँ ये लाइट है ये सारा भाई हापुड़ सेक्टर है। अभी जो मतलब लाइट की जो व्यवस्था है इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मतलब श्रद्धालु जो हैं वो अभी इतने ना आ पाए हैं। तो आज 18 तारीख है, 18 तारीख का माहौल देखने के लिए भाई मैंने जो है मतलब यहाँ पे रात के टाइम ही दिल्ली से आया हूँ और वीडियो शूट यहाँ की करी है। ये अपना भाई VIP कैंप हो गए सामने, ये जो है ये हो गया अपना भाई VIP कैंप, ये वाला हिस्सा। और आगे भी इसी तरीके से बैरिकेटिंग करी हुई है भाई। तो एक बार फिर से जो इधर चलें दूसरे वाले क्षेत्र पर घूमने, उधर क्या क्या मतलब प्रोग्रेस हो गई है। ये भी अपना भाई एक रास्ता यहाँ से निकला हुआ है, राम राम ताऊ, कहाँ से आए हुए हो? गढ़ या लटीरा? ताऊ तो बहुत शर्मा रहे हैं भाई वीडियो में। ये है भाई दूसरा गेट, पुलिस कैंटीन गढ़गंगा मेला जनपद हापुड़। चाय की दुकान भाई कहाँ से आए हो? राम राम भाई। राम राम भैया, कौन सी जगह से आए भैया? हम आए हुए हैं दिल्ली से। तो यार हमें भी ना नहाने घाट मिल रहा तक नहीं, सही थी या मिली नहा रहा यार? घाट ना मिल लिया? हाँ सही मिल जाएगा यार, घाट वाट सब यहीं मिल जाएंगे। के नाम है भाई? नितिन राणा। कहाँ से आए हुए हो? गुलाबठी के पास। गुलाबठी, हम भी भाई लाडपुर से ही हैं। अच्छा, कौन सा गांव है गुलाबठी? सपनावत के पास। सपनावत, अच्छा। कितने दिन से आकर हुए हैं? चाय दे दूंगा कोई। ना ना, पी ली चाय। गढ़गंगा तो पहले आ गए कई बार, फजर में अब ब्रजघाट पहली बार आए। ब्रजघाट पहली बार आए हो? ब्रजघाट ना भाई, यो गढ़गंगा मेला है, ब्रजघाट तो दूसरी तरफ है। अच्छा, तो कोई ना, तो असली मेला जो है वो यही है। अब आगे ऊपर वाले दुआ से जैसे भी देखियो मजा आएगा। अभी तो 18 तारीख है, अभी तो 20 तारीख कूदन दो, मजे तो असलियत में जब आएंगे। हाँ यो भाई, यहाँ पानी की दुकान और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और भाई लड़के क्या हाल है? मौज आ रही है? कहाँ की है दुकान? गढ़, प्रॉपर गढ़ सु बेटे, मजे आ रहे हैं बिल्कुल। और रात में मजे ही तो लेने आए भाई यहाँ। भाई बिल्कुल मतलब जो है ना, अभी यहाँ का जो माहौल है बिल्कुल एकदम गुमसुम चुपचाप वाला माहौल है एकदम। और यहाँ थोड़ी बहुत जो वीडियो में मतलब लाइट वगैरह जो चमक रही है, वह इस वजह से चमक रही है क्योंकि यहाँ पे जो हैलोजन लाइट लगी हुई है। ये LED लाइट देखो, ये सामने जो लगी हुई है, ये मतलब 20 या 22 तारीख के, 22 तारीख के बाद में भाई ये सारी लाइट जल जाएंगी यहाँ टोटल A to Z। और यहाँ ऐसा हो जाएगा रात का माहौल भी जैसे दिन आ गया हो बिल्कुल एकदम। ये अपना भाई वही ताऊ जी वाली जो है हलवाई की दुकान जो पहली वीडियो में ही। और भाई यहाँ पे जो मतलब टोटल क्षेत्र जो है अभी बिल्कुल सुन्न पड़ा हुआ है। वैसे जो उस दिन की वीडियो है 16 तारीख से 18 तारीख में, भाई बहुत बदलाव हो गए यहाँ। बदलाव क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो डेरे वगैरह लगे हुए हैं ये सब डेरे लग गए, तोमर सुपर फ्रूट आइसक्रीम वगैरह, ये भाई ये वाले अपने, ये सामने जो बना हुआ ये भाई ओम शांति वालों की जगह बनी हुई है यहाँ। ये सब भाई ये सब मतलब दुकान है, इधर भी ये दूसरा मेन रास्ता है यहाँ पे। ये है यहाँ पे जो मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है भाई सामने, यहाँ विराट शुद्ध भोजनालय में ही अंदर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी है। ये रहा। तो भाई रात के जो है लगभग 12:30 का टाइम हो रहा है। तो भाई वीडियो जो है ना यार, मतलब हम दिल्ली से आए हुए हैं रात के टाइम में तुम्हारे लिए वीडियो बनाना है, तो भाई वीडियो ने थोड़ा लाइक भी कर दियो
और चैनल सब्सक्राइब भी कर लियो, और भाई हो सके तो भाई वीडियो ना शेयर जरूर करियो एक बार, क्योंकि आप शेयर करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के पास ही अब भाई के पास जो है वीडियो पहुँचेगी, जिसकी वजह से जो है हमें भी भाई थोड़ा काम करने में अच्छा लगेगा। ये देखो भाई, ये जैसे यहाँ पे ये LED बल्ब जले हुए हैं बीच में, इस तरीके से पीछे वाले भी सब जल जाएंगे। अनिल टेंट हाउस आ गया भाई फिर अपना। ये अपने भाई डॉक्टर सोरन सिंह चौधरी, ये गढ़गंगा मेले में आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। कल फिर से जो एक वीडियो बनाने आएंगे, दिन का यहाँ का माहौल देखना, और यहाँ पे ये जैसे टेंट वगैरह या डेरे वगैरह कहाँ लगे हुए हैं ये सब चीज़ देखनी है। यहाँ ये अपना वही दूसरा रास्ता जो इसके बराबर में ही आ गया, यहाँ पे कार्तिक गढ़गंगा मेला, कैटल टेंट हाउस, बना रहे हो जी दुकान? हाँ जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी तुम्हारा? मेरा नाम संजय। संजय कहाँ से आ करो? मेरठ। मेरठ से। किस चीज की दुकान लगा हो यहाँ? ये कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक की। अच्छा अच्छा, आज ही आए थी हो? हाँ। अच्छा, और कितने दिन से आ करो यहाँ गंगा जी पे? 25 साल हो गए। 25 साल से कंटिन्यू यही? हाँ। अच्छा जी, मतलब कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो अपना यहाँ का, कैसा महसूस करो यहाँ आके? बस दो पैसे कम जा, बच्चे पल्ले हैं बस, और क्या। सही बात है। अच्छा, वैसे जैसे गंगा जी पे पब्लिक जो है 25 साल से आ रहे हो, तो बढ़ रही है या घट रही है, कम होती जा रही है? प्रोग्रेस है, हर साल बढ़ है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे अभी तक यहाँ कहीं भी जो अपनी साइड में यहाँ जो गढ़गंगा मेला है, इस पे जो है चरख वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये कब तक आ लेंगे यहाँ? आपका DM साहब से परमिशन नहीं है। अच्छा, ये नहीं आएंगे? आदेश है, वो नहीं लगेंगे। अच्छा, आपका जो है मतलब चरख और वह नहीं है? नहीं, वो आइटम नहीं है। तो फिर जो सामने टिगरी मेला, उसमें तो मैंने देखा परसों भी जो है वो लग गए उधर। ये हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में है, वो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट। दोनों डीएम अलग अलग हैं। तो भाई यहाँ पे जो है ना हापुड़ जो DM है, उन्होंने परमिशन नहीं दी है चरख वगैरह लगाने की, तो इस वजह से अब की बार यहाँ पे चरक वगैरह नहीं लगेंगे। मैं फिर यही सोच रहा भाई कि यहाँ पे अभी तक मतलब चरक की या उसकी जगह नहीं बनी, तो भाई अब क्या जो श्रद्धालु आएंगे वो बिना चरक और बिना उसके आएंगे। एक रीज़न भाई ये भी है कि पिछली बार जो हमने चरक वगैरह आए, तो उनके साथ भाई पब्लिक ने थोड़ा कूट पिटाई कर दी, इस वजह से भी भाई उन्होंने जो परमिशन लेना ज़्यादा अच्छा ना समझा। तो भाई वो फाइनली वीडियो का एंड कर रहे हैं, और क्या नाम है, आगे जो वीडियो बनाएंगे वो देखेंगे अपना जो है कल में, क्योंकि अभी तो यहाँ पे कोई ख़ास ऐसा प्रोग्रेस नहीं है, लेकिन डेरे टेंट वगैरह ये लगे हुए हैं बस। तो भाई वो मिलेंगे कल सुबह। राम राम भाई।